तो भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति को देख के भगवान शिव प्रकट हुए मेरे भाई बहनों। जय हो। भगवान शिव कहते हैं, कहो नरसिंह तुम्हें क्या चाहिए? आप बताओ, हमारे समक्ष अगर भगवान प्रकट हो जाए हम क्या मांगेंगे? अगर नकारात्मक बुद्धि होगी तो कुछ बदला लेने की बात मांगेंगे, कुछ और मांगेंगे, अच्छा घर मांगेंगे, पता नहीं कुछ और वर मांगेंगे। लेकिन नरसिंह मेहता ने कहा, हे प्रभु मुझे ऐसी चीज दो जो कभी समाप्त ना हो और उसके बाद कुछ पाने की चाह ना रहे, और मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, आपको जो सबसे प्रिय है वो मुझे चाहिए। कहा मुझे तो कृष्ण सबसे प्रिय है, तो कहा बस मुझे भी मेरे कृष्ण ही चाहिए। और क्या मांगा नरसिंह मेहता ने मेरे भाई बहनों? सबसे सुंदर बात, कभी हमने बात की शुरुआत यहीं से करी थी मेरे भाई बहनों, बात की शुरुआत यहीं से की थी कि निष्काम भक्ति करो। नरसिंह मेहता भोले बाबा से कहते हैं, हिम को और छूना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिले, और छूना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिले, और छूना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिले। और धन्य है तुम्हारी ये बुद्धि जो कृष्ण को चाहती है और जो भगवान को पाना चाहती है। धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, वर मांगो है अति भारी, वर मांगो है अति भारी। ऐसी बुद्धि और को पावे, ऐसी बुद्धि और को पावे, और ऐसी बुद्धि कौन? भगवान किसी किसी को ऐसी विरला लोगों को ऐसा विवेक देते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति तो भक्तों को ही भाती है। अगर आपको भी भगवान की भक्ति प्रिय है तो दोनों हाथ उठा के साथ में कहें, हरि भगतन को हरि धावे, हरि भगतन को हरि जय हो, शिव ही शिव को धाओ, जल से स्नान कराओ, मैं तो शिव ही शिव को जाओ, जल से स्नान कराओ, ऐसी बुद्धि और को पावे, ऐसी बुद्धि और को पावे, हरि भगतन को हरि भावे, हरि भगतन को हरि भावे, जय हो, हरि भगतन को हरि भावे, मुखो और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलिए, मुखो और कछु ना चाहिए, मोहे राधा कृष्ण मिलिए, शिव को जाओ, जल से स्नान कराओ।